साथियों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली का ये दूसरा चरण चल रहा है। दूसरे चरण की बहाली की प्रक्रिया में अभी परीक्षाएं खत्म भी नहीं हुई है कि रिजल्ट तक की बात हो रही है। दूसरे चरण की इस बहाली की प्रक्रिया का कल हमने आपको एक वीडियो बना के दिया जहां पे कट ऑफ के ऊपर चर्चा की। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आए, उन सभी कमेंट का एक एक करके रिप्लाई तो मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि वहां पे हजारों में शायद कमेंट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को जो आपके सवाल थे, जनरली जो आप लोगों के ज्यादा सवाल थे उनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो क्या फैक्टर है जो कि आपके कट ऑफ को यानी आपकी मेरिट को ऊपर लेकर जा रहा है? क्या आप लोगों को लगता है यहाँ पे कि यहाँ पे साइंस में, सोशल साइंस में या गणित के या फिर अन्य विषयों की अगर हम चर्चा करें तो कितना कट ऑफ जो है इर्द गिर्द घूम सकता है आपको लगता है? क्योंकि देखिए कल बीपीएससी टीआरई 1 का भी रिजल्ट दिया है, रिजल्ट नहीं रिवाइज जो कट ऑफ है वो दिया गया है। क्या आपने उसको देखा है? मैंने उसका एक वीडियो कल बना के दिया था, उसको जाके देखिए। जितने भी कट ऑफ दिए गए हैं वो कट ऑफ को लेकर छात्र परेशान हो रहे थे कि सर इतना ही कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि छात्र का अगर देखा जाए तो ज्यादा सिनेरियो तो चेंज हुआ नहीं है। मतलब कि बीपीएससी टीआरई 1 तुरंत हुआ, फिर टीआरई 2 हुआ, तो वही लोग बैठेंगे जो लोग यहाँ पे टीआरई 1 दिए हैं ज्यादातर, और कुछ नए स्टूडेंट भी हो सकते हैं कि बैठे हुए होंगे। तो क्या वही कट ऑफ रह सकता है यहाँ पे? नहीं, क्योंकि दोनों का एग्जाम पैटर्न अलग है। सर मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि वहां बात 220 नंबर में सिर्फ 120 नंबर की हो रही थी, लेकिन यहां पे बात 150 नंबर की हो रही है। बहुत सारे लोग 150 नंबर पे कमेंट कर रहे थे कि आपको नहीं पता है कि 150 नहीं, ये 120 का ही एग्जाम है, 30 नंबर तो यहाँ पे क्वालिफाइंग है यानी कि लैंग्वेज का है। तो मैं उनको, उनके लिए ही ये सब वीडियो बना रहा हूं कि मैं उनको कहना चाहता हूं कि भाई मेरे 150 पे ही आपका सिलेक्शन होगा, ये आप लिख के रख लो। कारण है उसके पीछे दो तीन फैक्टर्स हैं। देखिए पहली चीज कि आपका जो नोटिफिकेशन है उसको पढ़िएगा तो वहां पे एक चीज लिखा हुआ है कि टाई ब्रेकर। अब टाई ब्रेकर यहाँ पे होना जायज है, बहुत टाई ब्रेकर होंगे यहाँ पे। जी हाँ, 120 में बहुत लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे कि 90 या फिर 85 या फिर 75 सेम मार्क्स लेकर आए होंगे। अपनी अपनी कैटेगरीज की बात कर रहा हूं मैं, बट आप लोगों को कहां से पहले टाई ब्रेकर तोड़ा जाएगा? तो आपके लैंग्वेज पेपर को लेकर आपका टाई ब्रेकर तोड़ा जाएगा, यानी कि आपका वो 30 नंबर देखा जाएगा। तो पहला फैक्टर यही बनता है आपके इस कट ऑफ सिनेरियो को, मेरिट को ऊपर ले जाने का, कि जो एग्जाम पैटर्न में आपके बदलाव हुए हैं उसमें आपका लैंग्वेज सेक्शन जो है वो कट ऑफ को हाई करेगा, हाई ले जाएगा। यानी कि अगर आपने टाई ब्रेकर में फंसते हो, और ये छात्रों का बहुत सारा संख्या है जो इस बार टाई ब्रेकर में फंसने वाला है, और टाई ब्रेकर होगा उनका, और होगा तो फिर यहां पर फैक्टर उठेगा कि लैंग्वेज पेपर चेक किया जाए। अब यहां पर बहुत सारे छात्र हिंदी का एग्जाम देकर बहुत डर गए हैं कि सर हमारा तो यहां पर हिंदी में पास भी नहीं हो पा रहे हैं, या फिर 9 नंबर के आसपास है, या 10 नंबर के आसपास है, या 11 नंबर ही है हमारा। तो छात्रों का डर बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि देखिए आपत्ति करने का भी आपको मौका दे दिया गया। हो सकता है कि अगर आपने कैलकुलेशन किया होगा और आपका एग्जैक्ट 9 नंबर आ रहा है या फिर एग्जैक्ट 10 नंबर आ रहा है लैंग्वेज में, सपोज मानिएगा, अगर आपका वो 10 नंबर या 9 नंबर कम हो गया, तो क्योंकि आपत्ति किया छात्रों ने, वो आयोग ने अगर हो सकता है कि आंसर गलत दिया हो और आपत्ति किया, वहां पे वो मार्क्स घटा दिए गए, तो आप सीधे 9 से 8 पे आ जाएंगे, आप सीधे 10 से 9 पे आ जाएंगे। तो वहां से तो कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ है ना, और एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं वैसे में। तो ये भी चीज है यहां पर। तो डर यहां पे किससे है? तो एग्जाम के पैटर्न से। तो मैंने यहां पे एक चीज लिखी है कि क्या एग्जाम का पैटर्न सेम होना मेरिट को बढ़ाता है? जी हाँ, यहाँ पे अगर ये होता सेम कि उसी पैटर्न पे एग्जाम दिया रहता तो मेरिट बिल्कुल बढ़ता, क्योंकि आप लोग एक्सपीरियंस थे उस एग्जाम को दिए हुए थे। लेकिन यहां पर जो है क्वेश्चन का लेवल, जो आपका हिंदी फैक्टर है, ये आपके कट ऑफ को थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देगा। तो करेगा तो क्या कट ऑफ होगा उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। दूसरा सवाल यहां पर ये है, क्योंकि ये भी एक फैक्टर है हमारा, जी हाँ, मेरिट को हाई ले जाने का। यहां पे वो छात्र आए हैं यूपी, एमपी, झारखंड, राजस्थान या अन्य राज्यों से, बहुत सारे स्टेट से भी छात्र आए हैं एग्जाम देने इस बार, पिछली बार भी आए थे। तो पिछली बार जब बाहर से छात्र आए थे तो आप लोगों ने न्यूज देखा होगा, उसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन कहां के छात्रों का हुआ है? आपको लगता है कि बिहार के छात्र सबसे ज्यादा बाजी मारे हैं? न्यूज अपडेट में आप लोगों को बहुत गोल गोल घुमा के बातें कहेगी। हर तीसरा व्यक्ति बिहार में यूपी या झारखंड या उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश या राजस्थान का है, हर तीसरा। तो हर एक तीसरा शिक्षक जिसका नियुक्ति हुआ है। तो अगर वैसे में ये लोग भी आते हैं, यहां एग्जाम दे ही रहे हैं, तो इनसे डर बनता है। बनेगा क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपकी हिंदी और उनकी हिंदी में बहुत अंतर है। आप लोग जब हिंदी पढ़ते हैं या फिर आप लोग जो अपने सिलेबस को खत्म करते हैं, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, लेकिन आप समझिएगा चीजों को। आप जो हिंदी पढ़ते हैं या बोलचाल की भाषा में हिंदी को समझते हैं, उसी के आधार पर एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम की तैयारी करने को लेकर आपको ज्यादा समय भी नहीं दिया गया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बिहार के छात्र बहुत कमजोर है हिंदी में, नहीं, हिंदी तो बहुत अच्छा है बिहार के छात्रों का, लेकिन इन कंपैरिजन अगर यूपी के छात्रों का हम बात करें तो उनकी हिंदी बनस्पत बिहार के छात्रों से काफी अच्छी है,
और इसी में वो बाजी मार जाएंगे जब हिंदी वाला फैक्टर आएगा आपका। यानी कि फिर बात होती है कि लैंग्वेज पेपर पे ही आके सब कुछ अटकेगा जब टाई ब्रेकर होगा। तो टाई ब्रेकर होगा तो हिंदी का ज्यादातर क्वेश्चन जो है, यानी कि जो क्वालिफाई किए छात्र, वो यूपी से हो सकते हैं बिहार के कंपैरिजन में। तीसरी चीज, यहां पे यूपी, एमपी, झारखंड, राजस्थान में से किसके छात्र ज्यादा है? तो यूपी के, क्योंकि बिहार का ज्यादातर हिस्सा जो है, अगर वेस्टर्न क्षेत्र देखिएगा तो यूपी के, जैसे कि गोरखपुर हो गया, देवरिया हो गया, कुशीनगर हो गया, या फिर वैसे छात्रों की अगर आप संख्या देखेंगे ना, तो उनका भी पढ़ने का बिल्कुल तौर तरीका जो है ना बिहार के छात्रों के ही, जो बिहार के बक्सर, आरा, छपरा या बेतिया वाले क्षेत्र जो हमारे होते हैं, उन सभी एरिया से संबंधित होते हैं छात्र। देखिए उनकी पढ़ने की शैली जो है काफी अलग होती है, वो अपनी तैयारी में लगातार लगे हुए हैं, उनके पास एग्जाम देने का एक्सपीरियंस है। आप भले ही आपने आपको तैयार कर रहे हो, आप पढ़े लिखे अच्छे हो, है ना, आप नियोजित शिक्षक हैं तो एग्जाम दे रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो एग्जाम दे रहे हैं, तो उस चीज को लेकर यहां पर थोड़ा सा तो डिफरेंस आए, और वो डिफरेंस इनको फायदा दे जाएगा। तो डर किससे है? छात्रों से, अन्य राज्य के छात्रों से। तो ये आपका फैक्टर काम करेगा हिंदी वाले में, तो वहां पर वो बाजी मार सकते हैं। अब उसके बाद सर क्या कट ऑफ जा सकता है, इस चीज पे बात किया जाए, जरूर किया जाएगा। तो आइए समझते हैं अब इनके कट ऑफ को लेकर। देखिए अदर स्टेट के जो स्टेट के स्टूडेंट होते हैं उनके साथ ये पॉइंट होता है कि वो तैयारी से ही आते हैं। आप किसी भी राज्य में जाते हैं, खुद ही अपने आप में सोचिए कि आप अपने एग्जाम देने किसी अन्य स्टेट में जाते हैं या किसी नौकरी को करने के लिए जाते हैं, तो फुल्ली प्रिपेयर होकर जाते हैं कि वहां के छात्रों का कंपटीशन क्या है, और उसके बाद आप उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करके जाते हैं। तो वो भी आ रहे हैं बिहार, यहां पे वो भी तैयारी में आ रहे हैं, तो मेरिट को ये लोग ऊपर लेकर जा सकते हैं। ये मैंने फैक्टर्स यहां पे लिखे हैं जो कि आपके इस मेरिट को लेकर ऊपर जाएगा। आइए, कल मैंने जो कट ऑफ वीडियो दिया था उसमें आपको बोला था कि सोशल साइंस और साइंस को लेकर, है ना, बात किया था हमने आप लोग के लिए, तो मैंने बोला था कि 68 नंबर जो है अप्रोक्स रह सकता है, प्लस माइनस 2 यहां पे रख लीजिएगा नंबर, 70 भी आ सकता है, 71 भी आ सकता है, सब कुछ मैंने वो नहीं है, मैं अतुल प्रसाद नहीं हूं यहां पे कि जो बोल दिया कि वही बात हो जाएगी। और यहां पे ध्यान में रखिएगा कि 68 नंबर ये आपका मेल कैटेगरी को लेकर, और फीमेल में बात करें, चूंकि कल हमने फीमेल की कैटेगरी की बात नहीं की थी, लेकिन उस वीडियो में मैंने बोला था कि इसी के आसपास 2-4 नंबर ऊपर नीचे लेकर चलना है। तो फीमेल में अगर देखिएगा जनरल कैटेगरी में, तो 63 से 65 का नंबर जा सकता है। ईडब्ल्यूएस साइंस में बात कर रहा हूं मैं, मैथ और साइंस की, है ना, ध्यान रखिएगा, ये मैथ और साइंस यानी कि गणित विज्ञान के जो आप शिक्षक बनेंगे, यहां पर गणित और विज्ञान के जो शिक्षक बनेंगे उनकी मैं बात कर रहा हूं, जो कि कक्षा 6 से 8 में है। ये मध्य विद्यालय का सेक्शन आता है, आप लोग सभी जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 65 प्लस रह सकता है आपका स्कोर, तो आप जो है सेफ स्कोर में होंगे। और ये ओवरऑल की बात हो रही है, यानी कि 150 नंबर की बात हो रही है, उसमें अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो अपने आपको सेफ समझ सकते हैं मेरे अनुसार, है ना। बीसी कैटेगरी में जाएंगे तो 66 है, ईबीसी में जाएंगे तो 65 प्लस, और एससी में जाएंगे तो 60, और एसटी में जाएंगे तो 62। 62 क्यों सर? क्योंकि इनका कैटेगरी में थोड़ा सीट कम होता है और इनका कैटेगरी में छात्र भी कम होता है, तो इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ इसको हाई रखा गया है यहाँ पे। आइए सोशल साइंस की बात करते, तो मैंने आपको कहा ना कि सोशल साइंस वाला छात्र, जैसे कि बिहार का भी है तो वो हिंदी पढ़ता है, और यूपी का भी है तो वो हिंदी पढ़ता है, या अन्य राज्य का भी है तो वो हिंदी राज्य से आया है तो उनको फायदा है। लेकिन वही छात्र अगर झारखंड या बंगाल से है ना, तो वो मार खा जाएंगे यहां पर इंग्लिश हिंदी में, उनका रिजल्ट थोड़ा सा डाउन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हिंदी उनकी ऑलरेडी कमजोर होती है। लेकिन कंपटीशन फिर आपका यूपी के छात्रों के साथ है, एमपी के छात्र कम है, राजस्थान के भी कम है, तो मेन कंपटीशन आपका यूपी के छात्रों के साथ ही है। तो यूपी के छात्रों को अगर देखा जाए यहां पर मिलाकर, तो ये कट ऑफ इनका हाई ले जाएंगे सोशल स्टडी में। सोशल स्टडी ये 74 प्लस रखिएगा यहाँ पे, है ना, 74 प्लस, यानी कि इनका कट ऑफ जो है ना 75 हो सकता है, 76 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। वही महिलाओं में ये 65 हो सकता है, 66 हो सकता है, या 67 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मेल का बात करूं तो 70 प्लस रह सकता है, यानी कि 71 हो सकता है, 72 हो सकता है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। वहीं पे मैं बात करूं यहां पर तो फीमेल कैटेगरी में तो 68 हो सकता है, यहां पे बात करूं तो बीसी कैटेगरी में 72 हो सकता है कट ऑफ, 73 हो सकता है, 74 भी हो सकता है अगर ये बढ़ा तो, ठीक। वहां पे बात करूं फीमेल में तो 68 जा सकता है बीसी का फीमेल कैटेगरी, ईबीसी की बात करूं तो 70 के आसपास, और ईबीसी फीमेल की बात करूं 66 के आसपास, एससी की बात करूं तो 65 जा सकता है, और एससी के फीमेल की बात करूं तो 63 जा सकता है, एसटी में बात करूं तो 68 जाएगा, चूंकि इनका थोड़ा सा सीट कम होता है यहाँ पे, 63 यहाँ पे फीमेल में जा सकता है। तो ये हमारा जो है क्लास 6-2 साइंस, मैथ और सोशल साइंस को लेकर है। लैंग्वेज वाले जो छात्र हैं, है ना, जिनको लगता है कि लैंग्वेज का पेपर वो दिए हैं, तो वो मैंने कल का वीडियो बनाया हुआ, वही कट ऑफ यहाँ पे अप्रोक्स रहेगा, 65 हो सकता है, 66 हो सकता है जनरल कैटेगरी को लेकर, बाकी आप 2-3 नंबर नीचे अपनी कैटेगरी में देख सकते हैं जो लोग हैं उस कैटेगरी से लेकर, है ना, 2-4 नंबर, 5 नंबर के आसपास। तो कितना आपका स्कोर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए 9-10 के कट ऑफ सिनेरियो पे चलते हैं। यहां पे भी अगर मैं साइंस की बात करूं, क्योंकि साइंस के सिनेरियो में देखा जाता है कि जनरली सबसे कम स्टूडेंट पाए जाते हैं, है ना, तो इनका कट ऑफ भी थोड़ा सा कम आता है।
साइंस में मैथ फिजिक्स की बात करूं या फिर केमिस्ट्री की बात करूं या बायोलॉजी की बात करूं यहाँ पे, तो थोड़ा सा कट ऑफ इन लोगों का बढ़ जाता है ना, चार सब्जेक्ट हो जाते हैं और यहाँ पे आप विज्ञान के ही शिक्षक कहलाते हैं, पर यहाँ पे आप लोग का सिलेक्शन जो है आपके सब्जेक्ट के चलते कम हो जाता है। तो मैंने अगर रखा यहाँ पे कि 65 प्लस रखा है जनरल के लिए और 60 जो है ना 60 प्लस रखा है फीमेल कैटेगरी के लिए मेल में, मतलब जनरल में, ठीक है। फिर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 62 अगर आ रहा है तो सही है, 60 अगर फीमेल में है तो सही है। बीसी की बात करूं तो 64 प्लस है और महिलाओं की बात करें तो यहाँ पे 62 या 61 हो सकता है। अगर ईबीसी की बात करें तो 60 प्लस यहाँ पे रखिएगा अपने आपको, या मैं कहूं तो 62 ही रख सकते हैं क्योंकि इनका कैटेगरी ईबीसी का और ईडब्ल्यूएस का लमसम सेम जाता है नंबर, है ना। फिर 54 यहाँ पे आ सकता है एससी कैटेगरी में और 58 आ सकता है आपके एसटी कैटेगरी के छात्रों का मेल का। बाकी फीमेल में देखिएगा तो यहाँ पर ईबीसी में जो है कम से कम जो है 58 लाना पड़ेगा आपको और यहाँ पे जो है 50 नंबर के आसपास रहना होगा एससी में और 50 यहाँ पर अगर देखिएगा तो 55 के आसपास एसटी कैटेगरी के फीमेल में आपका स्कोर है, तो अपने आपको सेफ समझ सकते हैं। एसएसटी की अगर बात करें सोशल स्टडी की तो यहां भी चार सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पे फिर वही फैक्टर आपका आता है हिंदी लैंग्वेज को लेकर, तो यहां भी मैंने कट ऑफ को थोड़ा सा हाई अप रखा है और यहां पे अगर देखिएगा तो 75 नंबर मेल कैटेगरी का है अगर आपको, बिल्कुल सेफ है। 70 फीमेल में है तो आप बिल्कुल सेफ है। मैं बात कर रहा हूं एसएसटी का जो कि 9 to 10 में है छात्र उनकी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ये 70 है और फीमेल में 68 है, बीसी में 72 है और 68 है आपका फीमेल में, ईबीसी का 70 है और 68 है फीमेल में, एससी का 58 है और 52 है आपका फीमेल में, एसटी का 60 है और यहाँ पे 58 है आपका फीमेल में। तो ये सोशल स्टडी को लेकर है, ये आपके साइंस को लेकर है 9 to 10 में, और ये 6 to 8 में सोशल साइंस को लेकर और मैथ को लेकर है और ये सोशल स्टडी को लेकर है। तो मैंने यहां पे जो भी चीजें लिखी हैं वो कल के ही बिल्कुल अप्रोक्स वही कट ऑफ है, लेकिन जो फैक्टर मैंने आपको बताए हैं यहां पे कि इन कारणों से जो है आपका ये कट ऑफ में जो है बढ़ोतरी हो सकती है और ये कट ऑफ आपका संभवतः होगा। तो ये कल भी मैंने कट ऑफ बताया था, है ना, बट ओवरऑल मैंने करके बोल दिया था आप लोगों की ओवरऑल इसके इर्द गिर्द रहेगा सबका कट ऑफ, तो वही है ना, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं। सोशल स्टडी में यहाँ पे दोनों जगह पे कट ऑफ थोड़ा सा तो बढ़ेगा ही, 5 नंबर का डिफरेंस रखा मैंने, तो उसको देख लीजिएगा आप। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।